अनिल भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है? बस शॉप नमस्ते भाई, नमस्कार भाई, और क्या हाल चाल है भाई? और कौन हो गया? हाँ यार, क्या किया जो? और बाबा अभी दीदी आ रही है, शूट करनी। चलो कहाँ चल रहे हैं? चलो गन्ना पत्र आ रहा हूँ। जय भीम। आरक्षण कोई भेद नहीं, आरक्षण कोई भेद नहीं, बुला एक समझौता है, आरक्षण हम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, आरक्षण हम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, देखो।
इसी में रख दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को पूरा धन्यवाद। हमारे सभासद जी मनीष गौतम जी को हमें बोलना चाहते हैं, अगर यहां पर है तो आ जाएं। मनीष गौतम जी, अच्छा इसके बाद रघुवेंद्र रावत जिलाध्यक्ष अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच, उनसे निवेदन है कि केवल 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, जो आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ हमारे आंदोलन को, सब जिलों के लोगों के आंदोलन को आप लोगों ने सफल बनाया। और इसी के साथ ये भी बात कहनी है कि जो हमारे आंदोलन हो रहे हैं, जो राष्ट्रीय लेवल पर आंदोलन हो रहे हैं, उन सबके जो अगुवाई कर रहा है या जो लोग अगुवाई कर रहे हैं, वो छोटे छोटे संगठनों को, छोटी छोटी पार्टियों को लेकर चल रहे हैं। कहने के लिए तो सबको साथ ले जाते हैं, मगर जब ज्ञापन देना होता है तो मात्र उन लोगों को भूल जाते हैं। तो जो भी ज्ञापन दे रहा है, जितने भी संगठन को साथ ले लिया जा रहा है, कम से कम एक 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 या दो दो लोगों को ज्ञापन के समय तो सम्मिलित कर देना चाहिए। और एक तमाम ऐसे संगठन रह गए हैं जो खुद अपना ज्ञापन नहीं दे पाए हैं। तो जो अगुवाई कर रहे हैं, मैं 2 मिनट का समय मिला, इससे जो मैं कह रहा हूँ कि जो अगुवाई कर रहे हैं अगले आंदोलन की, जो भी लोग अगुवाई करें, तब तक कम से कम जो छोटे छोटे कुछ लेवल का संगठन है, उनसे कम से कम उनको भी साथ लेकर चले, उनका भी आपका सहयोग है, वो भी भारी मात्रा में है, कोई विशेष लोगों का ये संगठन नहीं है। इसलिए मेरा सभी लोगों में आंदोलन है, जो भी अगुवाई अगली बार हो तो सभी लोगों के साथ हो, और सब लोगों का कम से कम एक या दो दो लोगों को सम्मिलित किया जाए ज्ञापन देने के लिए। इसलिए हम अपनी बात रखते हैं, इसी बात का अपनी बात बहुत ध्यान कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं बता दूं कि वहां पर मैं आवाज़ दे रहा था, माइक नहीं था, इसलिए कुछ लोग सुन नहीं पाए। मैंने बहुत बार बुलाया जो लोग हैं वो आ जाएं, वो नहीं आ पाए। छुट्टी हुई, ठीक है, समझ आते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं हमारे सभासद मनीष कुमार जी 2 मिनट में अपनी बात रखें। अगर किसी का ज्ञापन रह गया हो तो अभी SDM साहब को यहाँ बुलवाकर हम ज्ञापन दिला देंगे, अगर हो तो बता दीजिए। ठीक है, मैं बुलवाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज आपके आह्वान पर समस्त जनपद बाराबंकी के कोने से आए हुए समस्त युवा भाई और हमारे साथी, आज सबका तहे दिल से धन्यवाद है। और हम एक ही कहना चाहते हैं, सीधे तौर पर इधर उधर ना करके जिस प्रकार से बीच बीच में कुछ लोग आ करके भ्रमित करने का काम करते थे और ये सवालिया निशान देने का काम करते थे कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें इधर उधर से, तो आप लोग उन सब चीजों को नकार करके सीधे अपने संगठन और अपने नेता पर विश्वास करके जब भी इस आंदोलन में बुलाया जाए आप सभी लोग आइए। इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारे यूथ विंग के जिला अध्यक्ष अरुण शास्त्री जी 2 मिनट बोलेंगे। बाराबंकी जनपद से आए हुए सभी भीम आर्मी के व अन्य सभी संगठन के सिपाही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हम लोगों की स्थिति मजबूर हो गई। हम लोग बाराबंकी जनपद से आए हुए सभी भीम सैनिकों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज ये जो हम लोग महा आंदोलन किए हैं ये हम लोगों की मजबूरी है। हम लोगों के साथ ऐसी स्थिति ही बन गई है कि अब हम करो या मरो का नारा दे करके आग में कूद जाएंगे, रोडों पर उतर जाएंगे। साथियों, अगर आज हम अपनी आवाज ये है छात्र के महिला महिला प्रकोष्ठ की इस तरह से जो है समाज में नए नए लोगों को इकट्ठा करके खो करके उनके अंदर प्रतिभा जो है उभारने का काम जो है हमारे बीच में जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कि बाबा साहब ने पक्षपात किया है, यह बिल्कुल न्याय किया है। साथियों, उदाहरण एक मैं देना चाहूंगा जिसके माध्यम से समझ में आ जाता है। खाने के लिए पंगत बैठी हुई है, किसी के पतरी में 2 पूड़ी, किसी के पतरी में 1 पूड़ी, किसी के पतरी में आधी पूड़ी, किसी के पतरी में 1 और पूड़ी है और किसी के पतरी में कुछ भी नहीं है। वो इंतजार कर रहा है व्यक्ति कि हमारे पतरी में पूड़ी पड़े तो हम खाना शुरू करें। तो सबसे पहले पूरी बांटने वाला किसको देगा? जाहिर सी बात है कि जिसके पतरी में कुछ भी नहीं है वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी पतरी में पूरी पड़े तो हम खाऊं। तो पूरी बांटने वाला व्यक्ति यदि जिसके पतरी में कुछ भी नहीं है उसको पूरी दे देता है तो क्या न्याय करता है? नहीं करता। साथियों, बाबा साहब ने यही काम किया, अपने समाज को, पूरे भारतीय समाज को 4 भागों में बांटा उन्होंने। सामान्य, OBC, SC, ST, इन चारों का बंटवारा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, जिनका जिस प्रकार से अवसर था उस हिसाब से उन्होंने बंटवारा किया। साथियों, वो चाहते तो OBC, SC, ST को एक कर सकते थे, लेकिन जानते थे कि OBC में जो जातियां रखी गई उनकी स्थिति बिल्कुल अलग है, SC में जो जातियां रखी गई उनकी स्थिति अलग है, SC की स्थिति और कमजोर थी। हर व्यक्ति अपने ही हक की मांग करे, अपने ही हक को ले, दूसरे के हक में डाका न डाले, इसके लिए साथियों अलग अलग आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान के द्वारा दिया हुआ है। अब ये मनवादी विचारधारा के लोग जजेज हमारे संविधान के द्वारा दिए हुए हक अधिकार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ यह जजमेंट संविधान विरोधी है। संविधान में कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। यदि क्रीमी लेयर की बात की गई होती तो बाबा साहब इतने दूरदर्शी थे कि उसी समय इसकी व्यवस्था कर गए होते। लेकिन साथियों, बाबा साहब के संविधान के द्वारा जातियां खत्म कर दी गई थी। बाबा साहब 1935 में ही जाति प्रथा उन्मूलन नामक किताब लिख करके अपने संगठन के माध्यम से इसके लिए काम शुरू किया था, लेकिन वो लड़ाई नहीं आगे बढ़ पाई। आज जातियों में हम बटे हुए हैं, SC में जितनी जातियां लगभग 67 जातियां हैं। संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया होता तो आज
सभी ये जातियां एक हो गई होती साथियों, हम इसकी लड़ाई क्रमशः लड़ेंगे। आज हमारा मुद्दा आरक्षण के खत्म करने के लेकर के है, हम इस लड़ाई को जीतेंगे क्रमशः। इसी तरह से हम अपने सारे हकों को इसी तरह से साथियों के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर के ले लेंगे साथियों, छीन लेंगे। इसी के साथ अपनी बात को हम विराम देते हैं। इस संगठन में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनको हम व्यक्तिगत स्तर से साधुवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इसी तरह से अपनी शक्ति इसके चार गुना बढ़ा करके आए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि ये आदरणीय संतलाल साहब आ जाएं और तमाम सहयोग पहचान गए। समय खत्म हो गया सर। क्या बताए हैं यहाँ पे?